Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohdsameerq. Now I am here at Itarsi ground and running. It's been a long time running. काफी बड़ा ग्राउंड है, 1 किलोमीटर से ऊपर का रनिंग का सर्कल होगा इसका। और चलिए देखिए, सब रनिंग कर रहे हैं, अभी मैं भी रनिंग करता हूँ। आज 1 किलोमीटर रनिंग करूँगा। ये देखो हमारा भाई एक्सरसाइज कर रहा है, इसके बाद मैं भी एक्सरसाइज करूँगा। और सामने बास्केटबॉल का कोर्ट है, फंक्शनल एक्सरसाइज के लिए भी मशीन लगी हुई है सामने। राउंड लगाते हैं वॉकिंग करके एक, फिर उसके बाद करेंगे 1 किलोमीटर रनिंग। और चलिए वॉकिंग करते हैं, और सामने इस बेंच पर लगा देते हैं कैमरा रनिंग के लिए। शूटिंग कैमरा लगा दिया है, अब चलते हैं रनिंग करने। हो गई है, अब चलते हैं घर साइकिलिंग करते हुए। और प्रॉपर ग्राउंड का एक राउंड 1 किलोमीटर तक था, कल से बढ़ाएंगे अपनी रनिंग का। कुछ इस तरह एक ग्राउंड के एंट्रेंस गेट कूद के जाना पड़ता है, गेट कूद लिया, अब चलते हैं अपने लैम्बोर्गिनी से घर, बाकी साइकिलिंग कंप्लीट करते हुए। 1 किलोमीटर रनिंग करने के बाद अब साइकिल से घर जाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, पूरी थाइस पंप हो चुकी है। अभी घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर और बचा हुआ है, लगता है मुझ खास तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा लग रहा है। थाई इतनी ज़्यादा पंप हो गई है, पूरे 2 मंथ बाद आज मैंने रनिंग की है, वो भी इसलिए मैंने 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं की रनिंग, कि और ज़्यादा पंप हो जाती तो फिर मैं कैसे जाता घर। हैबिट में आ जाएगी तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मिलते हैं घर पर। दाल मखनी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, प्याज काट रही है मम्मी, और कुकर में हल्दी डाल के रेडी कर दिया है। तो साइड में दाल मखनी की मम्मी प्रिपरेशन कर ली है, जब तक मैं ग्रीन टी बना लेता हूँ, पानी वान करने रख देता हूँ, 1 मग पानी डाल देता हूँ और ग्रीन टी बैग निकाल देता हूँ। पानी बॉयल हो रहा है, जब तक अपन इसमें डालते हैं टी बैग डाल लेते हैं मग के अंदर, और पानी बॉयल हो चुका है, गैस को करते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं पानी। इसको 2-3 दिन वेट करेंगे फिर इसको पीएंगे। ग्रीन टी बन चुकी है, ग्रीन टी भी पीते हैं, पी के चलते हैं मार्केट बाल के सुखाने। और नंबर लग चुका है मार्केट में, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, साइड से भी बाल कटवाते हैं, V8 साइड करवाते हैं, फिर मार्केट में आपको दिखाते हैं। मिलते हैं मार्केट में बाल। फ्रूट सैलेड खा के चलते हैं मार्केट, अभी तो बहुत टाइम लगेगा नंबर लगने में। हेयर कटिंग करवाने वेटिंग बैठे हैं, अभी 15-20 मिनट लगेंगे, फिर उसका नंबर आएगा अपना। लेने के बाद अपना नंबर आ ही गया और अपन बैठते हैं, अब हेयर कटिंग करवाते हैं, दिखाते हैं फोटो कैसा क्या कटिंग का। होम वर्कआउट करने से मेरी मसल्स फिर से रिकवर हो गई है, ट्राइसेप्स देख सकते हैं, फोर आर्म्स भी, ट्राइसेप्स भी बहुत अच्छी फ्लॉपी हो गई है, मसल्स उठ के देखे हेयर कटिंग वीडियो। हेयर कट कंप्लीट हो गया, चलते हैं नहाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आफ्टर बिफोर कैसी कटिंग हुई है। अब शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं ग्राउंड से घूम के रिटर्न आ गया हूँ, चलते हैं घर में, देखते हैं खाने में क्या बना है। अभी ऊपर आया, दिखा तो चिकन वगैरह है मेरा फेवरेट, लॉकडाउन में सबसे फेवरेट खाओ पियो चिकन, और सलाद भी कट चुकी है यहाँ पर, बस रेडी होता है थोड़ी देर में, तो फिर खाते हैं चिकन और देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। चलिए तैयार हो चुका, प्लेटिंग लगा लेते हैं अपन, लगा लिए प्लेट, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खा के मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। जिम जा रहा था, एक्ने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जब से मामा अर्थ का फेस वॉश और टोनर और क्रीम यूज़ करिए तो एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब चलिए लगाते हैं इसको, फेस वॉश करके आ चुका हूँ, और सबसे पहले लगाते हैं टोनर। टोनर को हाथ में लेके फिर कॉटन से नहीं लगाता हूँ मैं, हाथ से ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेता हूँ फेस में। टोनर लगाने के बाद चेहरे पर सब जगह पर
अब लगाएंगे फेस क्रीम, इससे एक्ने की प्रॉब्लम कम हो गई है मुझे। अब खाएंगे आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम का खा के मजा लेता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, टाटा, कल मिलते हैं।